एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मिलारेनी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर आई हूँ आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आज मैं जिस बारे में आपको बताने वाली हूँ वो है कि डायबिटीज़। एक्चुअली डायबिटीज जो है एक लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। हाँ, हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं जब भी किसी को डायबिटीज़ होता है, डॉक्टर्स ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं उसका, जिसकी वजह से और कुछ डाइट्स में बताते हैं डॉक्टर, कुछ चीज़ें खाने को, कुछ ना खाने को, और इसके अलावा टहलने को, मतलब बहुत सारे टिप्स बताते हैं डॉक्टर, बहुत सारे सजेशंस देते हैं, बहुत सारे एडवाइसेस देते हैं, उसके साथ साथ दवा स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे सही नहीं होता है, डायबिटीज़ ऊपर नीचे होता रहता है, तो पूरी लाइफ जिस किसी को भी हो जाता है डायबिटीज़, ये पूरी लाइफ उनके साथ रहता है। तो आज मैं आप अगर किसी को स्टार्टिंग में डायबिटीज़ हो गया है, अगर आप दवा स्टार्ट करना नहीं चाहते हो, तो मैं आज आपको एक फ्रूट के बारे में बताने वाली हूँ। मोस्टली वो साउथ में पाया जाता है, जिसको कहते हैं रामबुतान। ये बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही फ़ायदेमंद है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए स्पेशली। तो जिन किसी को भी डायबिटीज़ हो गई है वो इसे अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। ये इजीली तो नहीं मिलता है, ये एक्चुअली आयुर्वेद में एज अ मेडिसिन यूज़ किया जाता है, जिसको ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है, बट आप आजकल तो ऑनलाइन मिलता है ये। और वैसे जिस किसी का ये बहुत आसानी से तो नहीं मिलता है, पर जिस किसी का कॉन्टैक्ट होता है थोड़ा विलेज एरिया में या किसी भी आयुर्वेद से, तो फिर उनको ये आसानी से मिल जाता है। वैसे ये अभी ऑनलाइन मिल जाता है, तो इससे अगर वो अपने डाइट में शामिल करेंगे तो बहुत लाभप्रद होने वाला है। आपको ज़्यादा दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका जो डायबिटीज़ है, आपका शुगर लेवल है ब्लड में, वो कंट्रोल रहता है। तो अगर आप मतलब आयुर्वेदी तरीके से, आयुर्वेद के तरीके से, औषधीय तरीकों से डायबिटीज़ को ठीक करना चाहते हो, ये पूरी ठीक नहीं होती जैसे कि मैंने पहले बताया, बट आपका जो शुगर लेवल है ब्लड में वो कंट्रोल में रहेगा, तो आप इसे अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू।